अभिषेक शर्मा क्या छापा मारा है न्यूज क्लिक पे सीनियर एडिटर, मतलब मोदी जी अपनी मन की बात सुनाना जानते हैं, पत्रकार कोई भी अपनी मन की बात नहीं कर सकते, बस आप सारे पत्रकार अच्छे से बोल सकते हैं, यहाँ तक की आलोचना भी कर सकते हैं, और कभी भी सरकार ने किसी तरह का पाबंदी नहीं लगाया। आप मोदी जी ने कभी बाइकॉट किया जिस तरह इंडिया अलायंस ने किया है 14 पत्रकारों का, आप खुद बताइए। साल पहले जब इमरजेंसी लगा था सारे पत्रकार और नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था, क्या मोदी सरकार ने पार्ट टू तो है इमरजेंसी पार्ट टू ही तो है, एक पत्रकार को खाली मिड डे मील में दिखा दिया था, मिड डे मील घोटाला था वो जेल में आज तक जेल में हो, तो डरी हुई सरकार है। अब ऐसी सरकार दोबारा नहीं चाहिए, निरंकुश सरकार है, बिल्कुल नहीं चाहिए। कैसा डर पत्रकार ही तो जनता को जागरूक करें, मैं जो बोल रहा हूँ इसी वजह से बोल रहा हूँ, और ये पत्रकार ऐसे पत्रकार नहीं होते तो हमें पता क्या चलता, बस हम भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ग्रेजुएट हो जाते अब तक, हम भी तो ये करते। अब अच्छी बात है कि हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, जो चाय है बार बार गर्म करके नहीं पी जाती, तीसरी बार गर्म करने में खराब हो जाती चाय, एक बार गर्म करके पी चुके हैं अब दोबारा नहीं पियेंगे। चाय बेच बेच के जो सरकार बनी वो नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली ना, ये डरपोक सरकार है। न्यूज क्लिक के दफ्तर पे छापा मारा इन्होंने, क्या मिला ना वहाँ पे अभिषेक शर्मा को, अभिषेक शर्मा क्या छापा मारा है न्यूज क्लिक पे सीनियर एडिटर, सारे सब क्या मिल रहा है वहाँ पे, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इनकी बात सुनी सुन रहे हैं, अपनी मन की बात कर रहे हैं, तो गलत बुरा लग रहा है ना उन लोगों, मतलब मोदी जी अपनी मन की बात सुनाना जानते हैं, पत्रकार कोई भी अपनी मन की बात नहीं कर सकते, बस अपनी मन की बात करेगा तो फिर रेड लगाएंगे। जांच तो होनी चाहिए, कार्रवाई, जांच तो इनकी है ना, सारे तो इनके हैं भाई, अधिकारी किसके, इनके तो है, फिर जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, तो जांच क्या होगी। मनीष सिसोदिया जेल में, अच्छे स्कूल कर दिए तो उसका रिपोर्ट दे दिया, रेड पड़ रही है जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मारे भी तो है कई केरला मारे भी है कई, एक पत्रकार को खाली मिड डे मील में दिखा दिया था, मिड डे मील घोटाला था वो, जेल मार तक जेल है, और उनपे देशद्रोह लगा देते हैं ताकि जमानत भी ना हो, तो ये तो डरी हुई सरकार है। अब ऐसी सरकार दोबारा नहीं चाहिए, निरंकुश सरकार है, बिल्कुल नहीं चाहिए। कैसा डर पत्रकार ही तो जनता को जागरूक करें, मैं जो बोल रहा हूँ इसी वजह से बोल रहा हूँ, और ये पत्रकार ऐसे पत्रकार नहीं होते तो हमें पता क्या चलता, बस हम भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ग्रेजुएट हो जाते अब तक, हम भी तो ये करते। अब अच्छी बात है कि हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं लिया, हम जो सेल्फ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, पता चल रहा है हमें क्या हो रहा है देश में, उनको सर यही तो है, सरकार बोलने का दे रही किसी को, जो बोलता है इतना स्वतंत्र। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप आज से 25-30 साल पहले जब इमरजेंसी लगा था सारे पत्रकार और नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था, क्या मोदी सरकार ने पार्ट टू तो है इमरजेंसी पार्ट टू ही तो है, ये बिना ये अघोषित, वो घोषित है अघोषित, सीधी सी बात है, ये अघोषित इमरजेंसी है, यहाँ बोला नहीं जा रहा, गाली दे पा रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस की सरकार में नहीं, झूठ बोल रहे सब कैमरे के सामने, मोदी गाली किसने दी है, सभी कहते हैं आलोचना तो कर पा रहे हैं, आलोचना गाली कैसे हो गई, अब आप देखिए आलोचना करना तो हक है, हाँ बिल्कुल, वो तरह एक तरह का आलोचना भी एक तरह का गाली ही है, आलोचना गाली नहीं होती भाई, गाली अलग है आलोचना। पहले तो आप कांग्रेस में ये भी नहीं कर पाते थे, बंद कर देते थे इनको, पता नहीं चूड़ियां भेज दो, साड़ी पहन लो, क्या क्या बोलते थे, रोज पतला जलाते थे, मैं सेक्टर 37 के नोएडा के चौराहे पे मैं देखता था हर हफ्ते, ये बजरंग दल बीएचपी वाले ये विरोध स्मृति ईरानी, अब क्यों महंगाई नहीं लगती उनको, महंगाई क्यों लगी, अब तो सेंटर में आ गई है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, मंत्री बन गई है 20,000 सेंटर, क्या फर्क पड़ रहा है उन्हें, अब क्या फर्क पड़ रहा है उन्हें, जिसको महंगाई लग रहा है वो चूल्हा फूक लो घर में। आप सारे पत्रकार अच्छे से बोल सकते हैं, यहाँ तक आलोचना भी कर सकते हैं, और कभी भी सरकार ने किसी तरह का पाबंदी नहीं लगाया। आप देखिए रवि टीवी चैनल में रह नहीं पा रहे, टीवी चैनल में जगह नहीं उनके लिए, टीवी चैनल वाले निकालने लगा, मैं बता रहा हूँ मोदी जी ने कभी बाइकॉट किया जिस तरह इंडिया अलायंस ने किया है 14 पत्रकारों का, आप खुद बताइए, उन्होंने खुलेआम बोल दिया कि हमारे कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएंगे, लेकिन क्या बीजेपी ने कभी ये कहा, बैठे थे वहाँ पे एक आरएसएस का होता है, एक बीजेपी का होता है, एक मीडिया को बॉयकॉट, एक कांग्रेस को बॉयकॉट, मीडिया को बॉयकॉट इसलिए ना, 5 आदमी बैठे होते हैं, एक होता है बीजेपी का स्पोक पर्सन, एक होता है जर्नलिस्ट, एक होता है आरएसएस का बंदा, और एक होता है उनका क्या कहते हैं वो वरिष्ठ समाज से भी, मतलब सारे वही लोग होते थे, एक अकेला पड़ जाता है, वो बैलेंस करके बोला है ना, ये लोग बैलेंस करके बोला है, वो चार मैं बता, सुनिए अगर आपके ऊपर तथ्य है, आपके पास तथ्य है तो आप बोलिए ना, कौन रोका आपको, आप तथ्य है तो बोलिए कौन आपको रोक रहा है, जैसे अभी आप बोल रहे हैं विपक्षी नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरे में है सरकार, उनके राज्य में ज्यादा खतरा था, और देख लीजिए आप एग्जाम्पल मैं बिहार का दे रहा हूँ, जाति जनगणना आया है उससे देखिए हिंदुओं को तोड़ने की साजिश चल रही है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जाति पे वोट दो, हमेशा विकास देखो क्या कर रही है, और कौन सरकार जो है आपके फेवर में काम कर रही है, आने वाले भविष्य को देख कर आप उसको वोट दीजिए, हिंदुओं को तोड़ने की कहां से बता रहा हूँ, देखिए आज तक आप बिहार में जानती है कि हम लोग खुद बिहार से हैं, हम लोग आज यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपनी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब कंपनी है ही नहीं,
और वही देख लीजिए आज से 20-30 साल पहले गुजरात का भी यही हाल था, लेकिन उन्होंने उठाया गुजरात को, गुजरात को, गुजरात मॉडल आज देश भर में। मॉडल नहीं चाहिए भाई, सारे गुजराती पैसे ले लेके भाग गए, और नहीं चाहिए यार, दो इसका आधा पैसा गुजराती लेके भाग गए, ऐसे गुजराती नहीं चाहिए। तो आपको लगता है ना कि सारे गुजराती भाग गए, सारे गुजराती बेईमान है, कौन नॉन गुजराती भाग गए? नीरव मोदी, नीरव मोदी है, ललित मोदी है, किंग फिशर वाला बंदा है वो, मोदी जी है सत्ता में। और किसने पैसा दिया था? पैसा किसने दिया? मोदी सत्ता में। अगर बाइक किसी दूंगा ना, बाइक उठा के ले जाएंगे मेरी, तो मोदी जी ने रोका क्यों नहीं? चौकीदार कौन था देश का? देश का चौकीदार ही, चौकीदार को तो पकड़ा जाएगा। दे रखा था कांग्रेस ने, माफ किसने करा है? जो वेव ऑफ, अरे माफ क्या भाई, बट्टे में डाल दिया है, आपको पता ही नहीं है, बट्टे में डाल दिया है, वेव ऑफ। आप अफवाह फैला रहे हैं, तमाम चीजों की चर्चा चल रही है। भैया कहाँ जा रहे हैं? इधर आ जाइए, आप भी तो बिहार से आए। नीतीश जी कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन कमाल कर देगा। नहीं, कमाल नहीं कर पाएगा इस बार, उनकी लुटिया डूबने वाली है, और वो इस बार मेरे को लग रहा है बहुत बुरी। पूरे सांसद उतार रहे हैं अब चुनाव? नहीं नहीं, तो देखिए विधायकी में सांसद तो सब कौन नहीं उतारता भाई, सब उतारे, लेकिन उनके पास है तभी तो, उन्होंने कुछ काम किया है देश के लिए तभी तो बोल रहे हैं। आप देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बीजेपी हर जगह परफेक्ट है, लेकिन हाँ उसने काम अच्छी जगह, जहाँ कई जगह हारी भी है, जैसे आप देख लीजिए कर्नाटका, वहाँ हार गई। तो अगर हार गई तब ये विपक्षी दल ये कभी नहीं कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, ये थी, वो थी। और वही अगर गुजरात में जीत जाते तो ईवीएम में गड़बड़ी थी, अगर बीजेपी जीत जाए तो गड़बड़ी है। विपक्ष सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ अक्सर लोग हैं सारे, पर साक्षर लोगों को आप जो ज्यादा दिन तक लू नहीं बना सकते। सरकारी महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई तो मुद्दा सबसे मेन है, महंगाई ही मुद्दा है। क्योंकि पापी पेट तो सबके पास है ना, खाना तो सबको चाहिए, तो महंगाई तो मुद्दा मेन है ही है, उसके अलावा वो दूसरे मुद्दे वो नीचे हैं, ये महंगाई मेन है। पेट्रोल सीएनजी 40 रुपए की सीधे 80 रुपए हो रही है, पेट्रोल 60 से 80 रुपए हो रहा है, आटा 10 रुपए से 30 रुपए हो रहा है, ये तो बेसिक। क्या कांग्रेस के आगे बीजेपी अब डगमगा रही है, घबराहट है? मैं बता रहा हूँ, ये पकौड़ा पानी में तो नहीं चला जाता भाई, पकौड़ तलने के लिए सरसों का तेल ही चाहिए, और सरसों का तेल 250। पैदल चलो ना भैया, बाइक बंद करके घर पे खड़ी कर दो। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज यात्रा में करने, पैदल चलने के लिए बनाई, इनसे पूछो सड़क बनाई, खुद बोल रहे हो पैदल चलो आप। नहीं है, सड़क बनाया बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये मान गए कि सड़क बनाया, अभी तक तो सड़क भी नहीं बनी थी, अब मान गए कि सड़क बनाया है, तो पैदल का नाम लिया। भाई साहब पकौड़े क्यों खाओगे? जब तक देश की सर, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस मायावती और मुलायम दोनों ने मिलकर 500 किलोमीटर, जब तक देश की जनता रोटी की भूखी है ना, तब तक आपको कोई अधिकार नहीं कि आप पकौड़े खाइए, ठीक है, और आप पैदल चलिए जब तक देश की। तो मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े तल लीजिए, पकौड़े बिल्कुल, पकौड़े आपको नहीं खाने हैं क्या? नौकरियां जो कह रहे हैं तैयार, आप तैयार है पकौड़े? आज बीजेपी गवर्नमेंट में कितना पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े लिखे? 12th पास है, 12th पास है जी। अरे सुनिए, नौकरी करने का मन नहीं है? नहीं, हमें तले रोजगार चाहिए, हमें किसी के नीचे नहीं दबना चाहिए भैया, अपना रोजगार चाहिए, तो पकौड़े तलेंगे आप लोग? क्यों नहीं तलेंगे, तल लेंगे, नौकरी नहीं करेंगे? नौकरी करके ही तलेगा आदमी, ऐसे थोड़ी भीख मांग के थोड़ी तल लेगा, नौकरी करके ही तलेगा। कितना कमाओगे तो खाओगे कहाँ से? तो कितना कमा, भीखे तो मांगोगे? कितना कमाते हैं हम? कभी 500 कमाते, कभी 1000 कमाते हैं महीना। जो लोग पकौड़े का विरोध कर रहे हैं ना, आज अगर बीजेपी गवर्नमेंट या भारत सरकार का गवर्नमेंट आज अगर पकौड़े तलने का रोजगार सरकारी नौकरी पे भर्ती कर दे कि 2400 सैलरी मिलेगा, आपको पकौड़े तलना है, पूछो इसमें 100% जाएंगे और पकौड़े तलेंगे, सारे थैली लेके खड़े हो जाएंगे। भैया जो बैठे हैं यहाँ पे, ये भी रोजगार है इनका, सिर्फ फ्री का पैसा खाने का, और सिर्फ सरकार लाके जेब में डाल दे और बैठे बैठे गटर गटर खाए, और इधर आके जी खेले और पुचुर पुचुर आके इधर कैमरा के सामने बोल, सब कुछ सरकार ही दे, ठीक है, सरकार ही दे, सरकार सब्जी फ्री। आप इतनी बातें कर रहे हैं, एक और सवाल मेरे मन में, मोदी जी कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दिया उनका चैनल सब्सक्राइब? अरे हमने तो नहीं सुना, देखो हम लोग का चैनल का सब्सक्राइब हो रहा है ना, हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है मोदी जी, हमारा कर दिया शुक्रिया, लेकिन मोदी जी का किया कि नहीं? बहुत लोग हैं करने वाले, आप नहीं करेंगे? हम करेंगे, जो हम देखेंगे तो कर देंगे।